तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे वेल्थीस्ट बिजनेस कौन सा है जिससे तुम बहुत सारे पैसा कमा सकते हो? या तो दारू बेचना, या फिर पेट्रोल बेचना, या फिर ड्रग्स बेचना, या फिर कोई रियल स्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर देना। बट आज जो मैं तुम्हें बिजनेस बताने वाला हूँ ना, वो इन सारे बिजनेस को कहीं नहीं छोड़ता। ये है बाबा बन जाना। तुम्हें पैसे कमाने तो तुम बाबा बन जाओ, तुम इतने ज़्यादा फेमस हो जाओगे, इतने ज़्यादा पैसे कमाओगे कि भाई उसका कोई टक्कर नहीं है, ये चारों बिजनेस तुम्हारे कहीं टक्कर में अड़ेंगे नहीं उसके। बाबा बनने के बाद तुम्हें पैसा तो मिलेगा ही बहुत सारा, तुम बहुत सारे सत्संग करोगे, वहाँ पर एंट्री की फीस होगी, तुम फेमस हो गए, मीम बन गए, तो उसके बाद तुम बिग बॉस रियलिटी शोज में भी जाओगे, क्योंकि तुम्हें बुलाया जाएगा कि भाई तुम शो के अंदर आओ, उनकी टीआरपी बढ़ाओ। हमने ना बहुत तरह के वेरिएंट के बाबा देखे हैं ना। आश्रम बापू देखा जो रेपिस्ट निकल गया, एक ऐसा बाबा देखा जो थूक के चाट गया, पहले कह रहा था कि मैं बिग बॉस रियलिटी शो में नहीं जाऊंगा और बाद में वहाँ पर चले गया। हमने अच्छे बाबा भी देखे जिनका भी नाम बिगड़ा इस वजह से, क्योंकि भाई गंदे बाबा लोगों ने उनका नाम बिगाड़ दिया। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी नाम बिगड़ गया गंदे लोग की वजह से। बट अब एक नया वेरिएंट आ चुका है इस पूरी की पूरी कैटेगरी में, वो है चाइल्ड बाबास। ये नए बाबा आ चुके हैं इस टाइम पे, है ना, जेंजी बाबास, जो कि भाई ज्ञान दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 9-9 साल के, जिनको भाई बाबा घर पे रात को लोरी सुन के सोते हैं, अपनी मम्मी की कपड़े धुलते होंगे, इन लोगों से ये लोग बाबा बन चुके हैं। तुम्हें ज्ञान का सागर बांट रहे हैं ये लोग, मतलब ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे कि भाई तुम्हें कैसे लाइफ जीनी है, तुम्हें क्या क्या करना है, ये सब बाबा में सिखा रहे हैं। चीज़ इतनी ट्रेंडी हो चुकी है कि भाई इन चाइल्ड बाबाओं के अंदर भी आपको 25-26 लोग मिल जाएंगे। कोई अलग बाबा है, कोई अलग बाबा है, कोई अलग बाबा है, और ये सारे 8-8, 9-9 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे जिनके लोग पैर छू रहे हैं, जिनसे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, 90-90 साल के बूढ़े लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसा चीज इंडिया में चल रहा है इस टाइम। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, आपको बुरा नहीं लगता? तो उनको कह रहा है जो, उनको कहने दो, मुझे ठाकुर जी की भक्ति करनी है, मुझे करने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। उसने एक स्क्रिप्ट दे दी गई है, वैसे ये लोग कुछ ही बकवास करते हैं, उस स्क्रिप्ट में जो बोल दिया है उसी को सुन के इन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। इनको कुछ समझ नहीं आता ये लोग क्या बोल रहे हैं, बट बोलना है कुछ ना कुछ। देखो, धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, धर्म का प्रचार करना एक बहुत नेक काम है, बट अगर तुम धर्म के नाम पे पैसे कमा रहे हो तब ये गलत चीज़ है। इनके जो माँ बाप है वो जानते हैं कि भाई हमारा बच्चा 9-10 साल का छोटा सा बच्चा है, उसको उतनी नॉलेज नहीं होगी जो कि एक 90 साल के बूढ़े इंसान को होगी, उसने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर रखा होगा, बट स्टिल एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटा सा बच्चा ज्ञान देगा बड़े बड़े लोग को और उनको एक धर्म के रास्ते पे लेके जाएगा। जिस उम्र में इन लोग को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में ये लोग बड़े बड़े लोग को धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं। अब एक और तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ, इस लड़की को देखो एक बार। गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते, अर्थात हम लोग गीता पुस्तक तो मानते हैं, हाँ गीता पुस्तक भगवान के मुख से निकली है, वाह। इसकी उम्र कितनी होगी, ज्यादा ज्यादा 7-8 साल या फिर 9 साल की होगी? तुम्हारे हिसाब से कोई 9 साल का बच्चा इतना ज्ञान दे सकता है? कैसे देगा, कोई सेंस नहीं करता इस बात का। क्या क्या जिए भाई उसने लाइफ। बच्चों में भगवान बसता है ये बात हम मानते हैं, बट बच्चे को तुम भगवान बना के बेच रहे हो उस उम्र में जब उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये कितनी बात गलत साउंड करती है। उस बच्चे के अंदर भगवान बिल्कुल नहीं बसेंगे जो किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ा रहा है, जो किसी की मजबूरी का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि भाई तुम्हें पता है पूरा पैसे वाला बिजनेस है। कोई इंसान अपनी मजबूरी लेके किसी बाबा के वहां पर जा रहा है तो वो पैसे देता है, एंट्री फीस भरता है वहां पर, फिर वहां पर उसे कुछ भी बोल दिया जाता है, कुछ भी बता दिया जाता है और सब काम होता है। इन सारे बाबा लोग की रियलिटी यही होती है, बहुत सारों की, मैं सबका नाम ले रहा, बट बहुत सारे बाबाओं की रियलिटी होती है कि भाई उनका खुद का बंदा होता है जो बीमारी लेके आता है उनके पास में, उस बीमारी का इलाज कर देते हैं। और सिर्फ ये हिंदू बाबाओं में नहीं भाई, ये सब में होता है। मैंने क्रिश्चियंस में भी ऐसा देखा है, मैंने मुस्लिम्स में ऐसा देखा, और सब धर्म में ऐसा हो गया कि भाई मजाक बना दिया, लोग की मजबूरी का मजाक बनाओ और पैसे कमाओ। बच्चों को ऐसे बिठा दिया गया स्टेज के ऊपर जैसे कि भाई भगवान का अवतार है, सारे लोग नीचे आ रहे हैं, फिर उनके पैर छू रहे हैं, और बड़े बड़े लोग उनके, मतलब जो उम्र में बड़े हैं उनके पैर छू रहे हैं, फिर उनको एक वहां पर सिक्योरिटी भी लगी होती है जो उन्हें धक्के मार रही है, है ना, वो धक्के मार रही है, छोटी सी बच्ची भी ऐसे ऐसे ट्रीट कर रही है अपने आप को, भाई मैं भगवान हूँ, वो ऐसे आशीर्वाद दे रही है, सबको ऐसे आगे निकाल रही है, छोटे से बच्चे के अंदर ये दिमाग में डाल दिया कि भाई तू भगवान है। और हाँ, ड्रामे इतने करवाए जा रहे हैं इन लोगों से जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा है, मोटा सा बच्चा जो कि आजकल बहुत बड़ा बाबा बनने की कोशिश करता है, वो गणपति भगवान की मूर्ति को लेकर कैसे रो रहा था तुम एक बार देखो। कृपा करो जल्दी आना प्रभु, माई फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। भाई ये क्या बकवास है, तुम इसे बाबा बोलोगे, तुम इसे संत बोलोगे? हैं, महंगे महंगे कपड़े पहना दिए, बच्चे को भगवान बना दिया, फिर ड्रामे कर रहा है, रो के दिखा रहा है, ये बचपना कर रहा है क्योंकि इसका बचपन है, बट बचपन में तुम इससे कोई ऐसा काम करवा रहे हो जो इसे नहीं करना चाहिए, तब तो ये अपना बचपना करेगा ही। इनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है जैसे कि भाई अपने को खुद भगवान मानने लग जाते हैं, मतलब ये बच्चा अपने को भगवान मानने लग गया। और उसके बाद इसने अपने खुद की रील्स में ऐसा बताया एक बार कि एक दादी ने मेरे अंदर भगवान देख लिया, तब मेरे पैर छूने लग गई,
ऐसा वो बच्चा खुद अपने रील के ऊपर लिख रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में भी बात आ चुकी है कि मैं भगवान हूँ। जैसे ये रो रहा है ना भाई, मुझे उसको देख के साफ मालूम पड़ रहा है कि ना इसे भगवान का फर्क है ना गणपति के विसर्जन का फर्क है, बस फर्क है कि भाई मैं खुद भगवान हूँ और मुझे ऐसा बनके दिखाना है कि भाई मैं उनका सेवक हूँ और मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी। अपने इंटरव्यू के अंदर भी इसने बहुत बार बात क्या देखी है। अब देखो बच्चा ये चीज़ अपने मन से नहीं करता, उसके माँ बाप ये चीज़ करवाते हैं। और इसकी माँ का मैंने इंटरव्यू भी देखा जहाँ पर वो माँ खुलेआम कह रही है कि भाई मुझे अपने छोटे से बच्चे के ऊपर पहले से एक प्लान था कि मुझे अपने बच्चे को फेमस करना है। तो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा लें, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। तुम्हें अपने बच्चे को फेमस करना था, तुम्हें भी उन्हीं बाबाओं की तरफ अपने बच्चे को बनाना है जो कि भाई थूक के चाटते हैं, बिग बॉस में जाने की नहीं कहते पहले बट फिर बिग बॉस में जाते हैं, वैसे अपने बच्चे को बनाना था तो भाई कोई और तरीका अपना लिया होता। धर्म का रास्ता ही तुम्हें मिला, धर्म का मजाक बना के तुम्हें रास्ता करना था, तुम्हें काम करना था, मतलब तुम और चीज़ कर सकती थी, तुम्हें रील पे फेमस करना ही था उसको, कि तुम चाहते थे कि भाई लोग उसके साथ सेल्फी ले, तो तुम्हारे पास और भी रास्ते थे रादर देन ये करने के। सोशल मीडिया पे ऐसा हो गया कि भाई धर्म का मजाक बनाना बहुत आसान हो गया। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो है ना भगवान की मूर्तियों को रख रहे हैं अपने घर पे और मूर्ति को खिलौने की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब उसको बना दिया वहां पर, कहते हैं कि भाई मेरे कृष्ण भगवान आज रो रहे हैं, मेरे कृष्ण भगवान को आज बुखार हो गया है, मेरे कृष्ण भगवान को आज दर्द हो रहा है, मेरे कृष्ण भगवान को आज बुखार हो रहा है, इसलिए डॉक्टर के पास लेके जा रही हूं उन्हें, और डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा रहा है, कृष्ण भगवान की मूर्ति को इंजेक्शन लगा रहा है डॉक्टर, क्या है ये। मतलब मैं ऐसी वीडियोस भी देखी जहां पर एक औरत भाई बहुत सारे कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपने पास में रख के बैठी है और फिर उनको डेली कपड़े पहना रही है, उनको बाहर घुमाने लेके जा रही है, भगवान को तुम खिलौना बना के लोग के सामने बेच रहे हो, तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर चीज आराम से चलेगी, तो भाई तुम भगवान को खिलौना बना के उसे कपड़े पहना के उसके बीमार कर रहे हो भगवान की मूर्ति को, उसको बाहर घुमाने के लेके जा रहे हो। भाई अगर भगवान कृष्ण भी देख रहे होंगे ना ये चीज़ को तो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम आस्था नहीं कर रहे, तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ चलती है, तुम्हें पता है कि भाई भगवान धर्म इस टाइम पर चल रहा है, तो तुम उसी चीज़ को अपने वीडियोज़ के अंदर डाल के भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। वही सेम चीज़ें बाबा लोग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे जो यंग बाबा है हमारे जिनको स्कूल जाना चाहिए, जिनको जाके अपने जाके ABCD सीखने चाहिए, वो लोगों को यहाँ पर धर्म के पाठ दे रहे हैं और अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई कुछ गलत कर ही नहीं रहे वो लोग, बट जबकि इन रियलिटी ये लोग सनातन धर्म का बहुत बड़ा मजाक बना रहे हैं, है ना। तो जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं समझ जाओ कि भाई ये मजाक है, ये लोग है ना एक्चुअली अच्छा काम नहीं कर रहे, ये लोग तुम लोग को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, तो समझ जाओ इस बात को, है ना। बाकी आज की वीडियो में यही बताना था तुम लोग को, तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, शायद तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो तो कमेंट में बताना मुझे, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो इस चीज़ के ऊपर, बट अगर सपोर्ट करते हो ओपिनियन तो भाई कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा ओपिनियन इसके ऊपर क्या है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को प्लीज शेयर करना कि ये इंपॉर्टेंट मैसेज और लोग तक पहुंच सके, और मुझे ये चीज़ खराब लग रही थी तो मैंने इसके ऊपर बात कर ली। तुम चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। नमस्कार।